ગુજરાતના રાજકીય સમીકરણો હવે બદલાઈ શકે તેમ હોય તેમ અનેક પાર્ટીઓ પોતાની રીતે ધમપછાડા કરી રહી છે. સુરત ખાતે બદલાયેલા બિહારના સાંસદ અને રામવિલાસ પાસવાનના પુત્ર ચિરાગ પાસવાને યુવાઓની પાર્ટી કહી સભાને સંબોધી. कार्यकर्ता नेता साथियों के साथ वो गुजरात में रहे, सुख दुख में वो उनके साथ खड़े रहे, उसी भूमिका को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ. गुजरात के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूँ. अपने नेता के विचारों को, उनके सपनों को पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ. और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने फैसला भी लिया है कि हम लोग आगामी विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे. और उसी के मद्देनज़र निरंतरता में यहाँ से पार्टी के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. एक तारीख को गोधरा में, संभवतः 10 अक्टूबर के आसपास दूसरा कार्यक्रम हम लोग का अहमदाबाद में या राजकोट में या अलग अलग जगहों पे इसी तरीके से कार्यक्रम चलेगा. और ये पूरी तरीके से ये जिम्मेदारी स्टेट यूनिट को दी गई है कि प्रत्याशियों का चयन करके पार्टी किस तरीके से और किस रणनीति पर चुनाव लड़ेगी, इन तमाम बातों की जानकारी स्टेट यूनिट के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी और उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा. भाई, जैसा मैंने कहा कि अधिकांश सीटों पर लड़ने की हम लोग की तैयारी है, बट हाँ, कुछ जगहों पर गठबंधन की भी बातचीत चल रही है, जो कि पूरी जिम्मेदारी स्टेट यूनिट हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज रामानुज और इनकी टीम के ऊपर छोड़ी गई है. अगर कुछ दलों के साथ गठबंधन होता है तो सूरत में क्या संख्या होगी वो जल्द आप लोगों के साथ साझा की जाएगी. भाई, जैसा मैंने कहा, मैं बिहार से आता हूँ और एक बड़ी आबादी यहाँ पर बिहारियों की भी है, जिनकी सुनवाई कई बार उस तरीके से नहीं होती जो अपेक्षा रखी जाती है. ना बिहार की सरकार उनकी बातों को उस तरीके से सुनती है, ना यहाँ पे उनको उस तरीके से सुनवाई के अवसर मिलते हैं जो अपेक्षा वो रखते हैं. ऐसे में हम लोग का प्रयास रहेगा और मेरे नेता और हमारी पार्टी की भी नीति यही रही है कि हम लोगों ने हमेशा समाज के ऐसे वर्ग जो कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, आज भी आप समाज में देखें तो दो वर्ग के लोग हैं, एक अमीर हैं दूसरा गरीब, और इस गरीब में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं.